तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं इंडियन हैचरी में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, मुर्गियां जो मुंह खोलकर सांस लेती हैं, नाक से पानी बहता है, अभी ठंडे का समय आ रहा है, तो ये सब समस्याएं मुर्गियों में हो जाती है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इस वीडियो में बताएंगे हम। अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर संजीव कुमार, कृष्णा, कन्हैया, नारायण और सरवन मंडल आपके पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स पालन से लेकर उनके बीमारियों इलाज करने में सहायता करेंगे। अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप पर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9791071830 है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकॉन को भी बजाएं। तो दोस्तों, मुर्गियों को जो ठंडी का समय होता है, इसमें बहुत सारी मुर्गियां मुंह खोलकर सांस लेने लग जाती हैं, सर्दी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें थोड़े से लहसुन डाल लीजिए, अच्छे से गर्म कर लीजिए, और जब वो ठंडे हो जाएं तो अपनी मुर्गियों को चार चार बूंद उसके मुँह में डालना होता है। हफ्ते में दो दिन डालने से दोस्तों, आपकी मुर्गियों को जो ठंड लगने की समस्या है, ये 90 से 95% तक कम जाएगी। मुर्गियों को ठंड ना के बराबर लगेगी, जो मुंह खोलकर सांस लेने में समस्या आ जाती है, नाक बहता है, इन सब समस्याओं से आपका छुटकारा मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर कोई मन में सवाल रह जाता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। जब मुर्गियों की बीमारियों को लेकर किस तरह से पाल सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, indianhatchery.com पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको और भी अच्छे और सरल भाषा में आपको बहुत सारे कॉन्टेंट मिल जाएंगे, जो मुर्गी फार्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।